रेफ्रिजरेटर कूलिंग ना करे तो दो तरह का मसला होता है। नंबर एक होता है इसका मैकेनिकल फॉल्ट और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। यहाँ इस रेफ्रिजरेटर में कूलिंग नहीं हो रही है और इसको हम प्रॉपर चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसको प्रॉपर टेस्ट करने के लिए कि आखिर इस रेफ्रिजरेटर में कूलिंग क्यों नहीं हो रही है और इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए हम इसे पहले स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमारे पास ये इसका पावर प्लग है और ये हमारा एक टेस्टिंग बोर्ड है। सप्लाई देने के पहले हम रेफ्रिजरेटर में ऊपर से देख लेंगे कि क्या इसमें कहीं कोई वायर में कोई डैमेज तो नहीं है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये इसका लिड वायर है और यहाँ से जो सप्लाई आई हुई है वो प्रॉपरली सब जगह कनेक्ट है। इसका मतलब हम इसे सप्लाई दे के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम इस पावर सॉकेट से इसके प्लग को कनेक्ट करते हैं। ये हमारा क्लैंप मीटर है, इसे हम 200 एम्पियर पर सेट करेंगे इस तरह से। और ये हमारा थोड़ा एरर शो कर रहा है। इसे हम या रिले में जाने वाली सप्लाई में या ओवरलोड में जाने वाली सप्लाई में किसी एक के साथ हम कनेक्ट कर लेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, जब हम इसे ऑन करेंगे ये ट्रिप कर गया। इसका मतलब ये कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है बल्कि ये ट्रिप कर जा रहा है। अब इस प्लग को हमने निकाल लिया है और ये रिले और ओवरलोड निकाल के देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ओवरलोड जैसा कि हम देख रहे हैं ये काफी ज्यादा दिख रहा है और ये ट्रिप भी कर गया था, जबकि ये हमारा रिले है। इस रिले को अगर हम देखें ध्यान से, ये आवाज़ सुनिए, इसकी आवाज़ इसमें ये बता रही है कि इसकी डिस्क ख़राब हो गई है, यानी ये रिले प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, जिससे सप्लाई ओवरलोड के ज़रिए कामन में और यहाँ से डायरेक्ट रन में जा रही है और कामन और रन मोटर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा पर मोटर स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि इस पिन से जाने वाली स्टार्ट वाइंडिंग को सप्लाई नहीं पहुंच पा रही क्योंकि इसके अंदर की डिस्क ब्रेक हो गई है। अब हम इस रिले को चेंज करके दोबारा इसे स्टार्ट करेंगे। ये हम एक दूसरा रिले यूज़ करेंगे जो हमारे पास मौजूद है। ये रिले हमारा जो फॉल्टी, इसे हम हटा देंगे और इस ओवरलोड को भी हटा देंगे। दूसरा ओवरलोड और रिले हम यूज़ करेंगे इसके साथ। और इन दोनों की कीमत अगर आप मार्केट में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये की होगी। तो हम इसे लगा के देखते हैं कि क्या हमारी फ्रिज सही हो जाती है। इन दोनों में से किसी में भी हम रिले लगा दें, किसी में ओवरलोड लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम सबसे पहले ओवरलोड को कनेक्ट कर देंगे। दिखाई नहीं दे रहा, ये ओवरलोड हमारा लग गया। अब हम इस रिले को यहां लगा देंगे। अब एक बार फिर से हम इस क्लैंप मीटर को अपनी जगह लगाते हैं और यहां हम इसे सप्लाई देते हैं। इसे जैसे ही हमने ऑन किया ये फ्रिज हमारी 0.6 एम्पियर पर चल रही है। इसका मतलब इसके इस रिले और ओवरलोड में ही खराबी थी और ये रिले ओवरलोड सिर्फ 150 रुपये में मिलता है। यानी आपकी फ्रिज अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए रिले में तो आप इसे सिंपली चेंज कर देंगे। और रिले किस तरह से लगाना है, कहाँ लगाना है और कौन सा रिले आपके रेफ्रिजरेटर में लगेगा, इस पर हमारा एक वीडियो है, उस वीडियो को भी आप देख लेंगे तो आपको सारा मामला क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से सिर्फ 150 रुपये में आपकी ये फ्रिज रिपेयर हो गई। उम्मीद है ये छोटी सी रिपेयरिंग आपको समझ में आई होगी। इस तरह की और नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक ना सब्सक्राइब किए तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।